और मेडिकल लैंग्वेज में जिसको हम क्रूकड नोज बोलते हैं, तो ये जो क्रूकड नोज है ये क्या करता है, दो प्रॉब्लम होती है हमारे को, हमारा जो लुक है उसमें भी प्रॉब्लम होता है और हमारा जो ब्रीदिंग है उसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो इसमें क्या है, जो हम सर्जरी करते हैं तो हमारा दोनों काम करते हैं, जैसे इनका जो नोज जो है वो ब्लॉकेज था बट अब लाइफ लॉन्ग आराम से ब्रीदिंग होगा, एंड नोज पे बैंड था ऊपर, बहुत सारे सी सैप एस सैप जो बैंड होता है वो बैंड नोज को ठीक करके, बैंड के साथ बम्प था तो वो भी सही किया। ठीक है, क्या क्या लिया, पानी वगैरह? पानी लिया स्लाइस की बोतल ली, नारियल का पानी, नारियल का पानी लिया। ठीक है, अच्छा, यूरिन पास किया इन्होंने, बाथरूम वगैरह किया। ठीक है, इनको अभी क्या है, जैसे छाछ, लस्सी, मैंगो शेक, पपीता शेक, बनाना, सुन, ठीक है, ये सब चीज़ें लिक्विड थोड़ा सा ज़्यादा देना और सख्त चीज़ें नहीं देनी, ठीक है ना। नाक में इसमें अपन ने जो सारा जो काम किया है, सारा काम करने के बाद जैसे ये प्लास्टर लगा रखा है तो थोड़ा सा क्या है, यहाँ आई पे बेटा एडिमा आता है, स्वेलिंग आता है, ठीक है ना। और नोज के अंदर एक पैकिंग लगा रखी है, ठीक है ना, ये जो पैकिंग जैसे हम आज शाम तक या दूसरे दिन भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर निकाल के फिर डिस्चार्ज कर देते हैं। घर पे जाने के बाद रूटीन अपना काम आम थोड़ा बहुत जो कर सकते हो, थोड़ा सा वजन वजन नहीं उठाना होता। एंड खाने में क्या नहीं लेना है, इसमें इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जैसे कोई सख्त चीज़ें होती हैं, जैसे कोई एप्पल खा रहे हैं या कोई जैसे नॉन वेज खाने वाले हैं वो अपने को नहीं, एग अगर कोई खाना चाहिए रूटीन ले सकता है, छाछ, दूध, दलिया, खिचड़ी, नॉर्मल चपाती वगैरह भी हम ले सकते हैं, ठीक है ना। खटाई वटाई का भी कोई ऐसा परहेज नहीं है, सब खा सकता है। 10 दिन बाद जब आएंगे, जब ये प्लास्टर अपन हटाएंगे, बहुत सारा काम किया हुआ है नोज के अंदर, जैसे नोज पे हमारे बम्प था, नाक हमारा सा ड्रूपी आ रखा था, यहाँ पे गड्ढा हो रखा था, अब टॉप टू बॉटम हमारा नाक जो है वो एक है, दोनों तरफ क्या है कि जो है वो ब्लॉकेज फ्री नोज है, हमारा टिप पहले से बेटर है, बहुत सारी मेहनत की हुई है इसमें, बट ये एडिमा, स्वेलिंग एंड ये सारी चीज़ें क्या है, ये थोड़ा सा एक नॉर्मल चीज़ें होती हैं। सो कल हम बेसिकली फिर जो है आपको डिस्चार्ज कर देंगे। और कोई दिक्कत हो तो बताओ। यस दोस्तों, ये क्या है कि जैसे राइनोप्लास्टी जब हम करते हैं, जैसे इनका जो है वो डेविटेड और मेडिकल लैंग्वेज में जिसको हम क्रूकड नोज बोलते हैं, तो ये जो क्रूकड नोज है ये क्या करता है, दो प्रॉब्लम होती हैं हमारे को, हमारा जो लुक है उसमें भी प्रॉब्लम होता है और हमारा जो ब्रीदिंग है उसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो इसमें क्या है, जो हम सर्जरी करते हैं तो हमारा दोनों काम करते हैं, जैसे इनका जो नोज जो है वो ब्लॉकेज था बट अब लाइफ लॉन्ग आराम से ब्रीदिंग होगा, एंड नोज पे बैंड था ऊपर, बहुत सारे सी सैप एस सैप जो बैंड होता है वो बैंड नोज को ठीक करके, बैंड के साथ बम्प था तो वो भी सही किया, अब नोज क्या है बिल्कुल ऊपर से नीचे तक बराबर है एंड नोज स्ट्रेट है। सो दिस इज़ द एडवांटेज कि अगर हमारे इस सर्जरी को कराते हैं तो ये दोनों हमारे काम होते हैं। एंड थोड़ा सा क्या है, 3-4 घंटे की सर्जरी होती है, एक दिन बेसिकली लोगों को थोड़ा सा डर होता है कि मेरा नाक बंद कर देंगे, सांस कैसे आएगा, जैसे ये सांस ले रहे हैं एक दिन हम ले सकते हैं, कल इनका नोज का पैक निकाल देंगे फिर हम आराम से सांस ले सकते हैं, बट ये हमारा लाइफ लॉन्ग के लिए है कि रेस्ट ऑफ लाइफ में हम जो है आगे हमारे को कष्ट नहीं होगा, क्योंकि बहुत बार क्या डर के मारे मरीज इलाज नहीं करता, वो घर बैठा रहता है कि नहीं नहीं नहीं। एंड इसमें अब जैसे ये प्लास्टर वगैरह लगाया है, ये जब हम रिमूव कर देंगे तो ये खुद भी ये नहीं पहचान पाएंगे कि हमारा ये ऑपरेशन हमने कहाँ से किया हुआ है, जो हमारे एक बहुत बड़ा दिमाग में डर रहता है कि ये मैं ऑपरेशन करा लूँगा तो मेरे नाक पे चीरा आ जाएगा। बट यस दोस्तों, अच्छी टेक्निक से होना चाहिए, अच्छे सेंटर में होना चाहिए जिससे हमें प्रॉब्लम नहीं आए। थैंक यू।